सीनियर सहाफी और तजियाकार सलीम साफी के मुताबिक बड़े बेवकूफ हैं वो लोग जो 9 मई को सिर्फ एक सियासी सरगर्मी या अंदरूनी सियासत का एक हादसा समझते हैं। 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 ही नहीं बल्कि कुछ हवालों से इससे ज्यादा था। 9/11 को अमेरिका की ताकत और यकजहती की दो अलामतों यानी ट्विन टावर माशी ताकत की अलामत और पेंटागन अस्करी ताकत की अलामत को निशाना बनाया गया, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान की यकजहती की अलामत और दिफा की जामिन अफवाज पाकिस्तान को निशाना बनाने के साथ साथ शौदा की यादगारों की भी बेतौकीरी की गई। 9/11 को सिर्फ अमरीकी अफवाज के मरकज को निशाना बनाया गया था और नतीजतन अमरीकी कौम इकट्ठी और अपनी फोर्सेस के साथ खड़ी हो गई, लेकिन तकसीम का कोई मंसूबा नहीं था। जबकि 9 मई के बारे में पाकिस्तानी खुफिया इदारों के मुताबिक असल मंसूबा पाकिस्तानी फौज और कौम को तकसीम भी करना था। इधर पीटीआई के रहनुमा और वर्कर जीएचक्यू और कोर कमांडर हाउस पर हमलावर हुए और इधर अमेरिका से जलमे खलीलजाद की ट्वीट आई जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ जनरल हाफिज आसिम मुनीर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ये कार्रवाई ऐसे दिन हुई जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मुल्क से बाहर थे और इनके आने तक सारी सूरत हाल DGISI जनरल नदीम अंजुम की जेरे कयादत चंद अफसरान ने काबू की। दूसरी तरफ ये तैयारी हुई थी कि एक बंदा सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तकरीर के खिलाफ रिट दायर कर देगा। 9 मई पाकिस्तान के लिए 9/11 के मुकाबले में इस लिहाज से भी ज्यादा संगीन था कि अमेरिका के खिलाफ कार्रवाई में अलकायदा के गैर अमेरिकी अफराद इस्तेमाल हुए थे, लेकिन 9 मई को बदकिस्मती से सब कुछ पाकिस्तान की एक कौमी और इस रोज तक मकबूल तरीन पार्टी के जरिए करवाया गया जिसे पाकिस्तान दुश्मन बैरूनी ताकतों की शह हासिल थी। हाँ, एक बात दोनों में मुश्तरक थी कि जिस तरह 9/11 जैसे साने की तवक्को अमरीकी नहीं कर रहे थे, इसी तरह 9 मई का भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले से कोई अंदाजा नहीं था, बल्कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पीटीआई के भलवाई आर्मी तंसीबात और शौदा की यादगारों की तरफ रुख करेंगे। इस रोज कौमी एहतसाब ब्यूरो जो कानूनी तौर पर हुकूमत के मातहत है और न पहले से इरादों को बताने का पाबंद है ने इमरान खान की गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जिसके लिए रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। दूसरी तरफ पीटीआई की तरफ से पहले से मुनज्जम मंसूबाबंदी की गई थी। हर लीडर और हर कारकुन को पहले से बताया गया था कि जब भी इमरान खान गिरफ्तार हों तो फौरन सड़कों पर निकलें। फिर हर सूबे में मखसूस मर्द और खवातीन टाइगर्स को यह खुफिया तौर पर समझाया गया था कि वो जुलूसों का रुख फला फला कोर कमांडर के घर जीएचक्यू और आईएसआई के फला फला मराकज की तरफ मोड़ दें। आम कारकुन और आम लीडरों को असल साजिश का इल्म था और ना अंदाजा बल्कि बैरूनी सपोर्ट और साजिश से तो सिर्फ चंद अफराद आगाह थे। जीएचक्यू के अलावा लाहौर गुजरावाला पिशावर और क्वेटा के कोर कमांडर्स के घरों और दीगर फौजी तंसीबात की पहले से निशानदेही की गई थी। यहां तक मंसूबाबंदी हुई थी कि पहले चंद खवातीन जाएंगी, फिर खवातीन का एक बड़ा दस्ता जाएगा, इसके बाद टाइगर्स और कारकुनों का बड़ा हुजूम हमलावर होगा। क्वेटा के कोर कमांडर्स के घर में पुलिस और फौज की फायरिंग की वजह से बलवाई अंदर न जा सके, पिशावर के कोर कमांडर के घर जाने वालों को सूरी पुल में रोके रखा गया जिसके बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया। जीएचक्यू के अंदर इन्हें घुसने नहीं दिया गया, पिंडी के हमजा कैंप में भी इन्हें अंदर घुसने नहीं दिया गया। इसी तरह गुजरावाला में भी वो कामयाब न हो सके, लेकिन गफलत या साजिश हुई तो सिर्फ लाहौर में हुई और चूंकि अस्करी की आदत मामले की संगीनी से वाकिफ है इसलिए अगले ही दिन लाहौर के कोर कमांडर को फौज से फारिग कर दिया गया। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई तन्हा आर्मी चीफ अपने हुक्म से भी कर सकते थे और आर्मी एक्ट के तहत इन्हें ये तमाम इख्तियारात है, लेकिन साजिश इतनी गहरी और आलमी थी कि फैसले कोर कमांडर्स मीटिंग में हुए। जो शवाहिद सामने रखे गए इसके बाद कोई इख्तलाफी नुक्ता नजर सामने नहीं आया। इतने सख्त अल्फाज की ISPR प्रेस रिलीज भी कभी देखने को नहीं मिली जिसमें कहा गया कि जो काम मुल्क के अब्दी दुश्मन 75 साल में न कर सके वो इक्तदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े हुए गिरोह ने कर दिखाया। पीटीआई की क़यादत लाख चाहे इसके नताइज भुगतने से नहीं बच सकती क्योंकि तमाम कोर कमांडर्स के मुत्तफ़िका फैसले के आगे के अल्फाज यूं हैं कि जो सहूलतकार मंसूबा साज और सियासी बलवाई इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं इनकी शनाख्त कर ली गई है और इनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी और ये तमाम शरपसंद अनासर अब नताइज के खुद जिम्मेदार होंगे। फौजी व रियासी तंसीबात और इमलाक पर किसी भी मजीद हमले की सूरत में शदीद रद्दअमल दिया जाएगा, यानी सजा सिर्फ सियासी बलवाइयों को नहीं दी जाएगी बल्कि सहूलतकारों और मंसूबा साजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। यही वजह है कि जुल्फी बुखारी जैसे लोग मुल्क से भाग गए, फवाद चौधरी, खुसरो बख्तियार और चौधरी वजाह जैसे जो लोग इन हमलों के माफी और नतीजे को जानते हैं, इसलिए उन्होंने पीटीआई छोड़ने में देर नहीं लगाई, जबकि जो सादा लोग इसे सिर्फ पाकिस्तान का अंदरूनी सियासी खेल या एक रोज का सियासी हादसा समझते हैं
वो अब तक जुड़े हुए हैं। ये मुकाबला अब दो सियासी कुव्वतों का नहीं बल्कि रियासत पाकिस्तान और पीटीआई के माबेन है, क्योंकि कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद वजीर आजम की जेर सदारत काबीना की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एयरफोर्स और नेवी के सरबराहान के अलावा ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद भी मौजूद थे। फिर तजिए और फैसले की तौसीक वफाकी काबीना ने भी कर दी। इसलिए इस मामले में अब ना मसलहत होगी, ना एक फर्द या चंद अफराद इसे रिवर्स कर सकते हैं। अब ये रियासत और पीटीआई का बराह रास्त टकराव है, और खुद इमरान खान ने बतौर वजीर आजम टीएलपी के एहतजाज के वक्त कौम से खिताब में कहा था, खबरदार रियासत से मत टकराना। दूसरों को नसीहत करते हुए अब वो खुद बैरूनी इशारे और शह पर रियासत से टकराए हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इनकी पार्टी और खुद इनका अंजाम क्या होगा। वाजे रहे कि 9/11 के बाद अमेरिका ने मुबैना जिम्मेदारों और सहूलतकारों के लिए मिलिट्री कोर्ट्स, जिस तक न मीडिया की रसाई थी और न किसी अदालत में इनके फैसलों के खिलाफ अपील की जा सकती थी, गुंतानामो बे में कायम की, और तफ्तीश के दौरान वाटर बोटिंग तक जैसे इंसानियत सोज मजालिम डाए, बल्कि अफगानिस्तान में भी ताराज किया। यूं अमेरिका के पास 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के खिलाफ रियासत पाकिस्तान की कार्रवाइयों के बारे में चीखो पुकार का कोई जवाब है, और ना इस पर रियासत पाकिस्तान कोई ध्यान देगी।